आई थिंक सबको उस गाने की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आई. इनफैक्ट यू नो इट्स डूइंग रियली रियली वेल ऑलरेडी. बाय द टाइम वी आर टॉकिंग आई थिंक 3.5 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट. बट दैट्स नॉट एक्चुअली हाउ वी यू नो लुक एट थिंग्स. इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग. इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग, यू नो, शॉर्ट इन अ रियली नाइस वे. दिस इज माई फर्स्ट एसोसिएशन विद सारेगामा. एंड स्टेबिन का गाना है. स्टेबिन ने बहुत अच्छा गाया है. एंड यू नो इफ यू सीन द सॉन्ग, it just celebrates the little things in life, and that's what really, like, you know, what I really liked about the song. Mostly you know aise hi hota hai. But actually agar aap ko ek baat batata hu main Stebbins ki, wo mere paas aisa gana aane hi nahi deta hai, you know, because he knows ki ye uska part hai. And he is somebody who wants the best for me. To barish ke time par bhi this is what his thought process was. और इन्हीं सी गल के टाइम पर भी दिस इज़ व्हाट हिज थॉट प्रोसेस वाज. कि यू नो हम जब भी एक साथ आते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं, हमारी एक यू नो कमराडरी है, यू नो इट्स, तो वो चीज़ यू नो, अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी स्टेबिन के लिए यू नो सबसे बेस्ट चीज़ें भेजूंगा. एज अ सिंगर तो वो है ही, कहने की ज़रूरत नहीं. इज़ वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन द कंट्री राइट नाउ. द मोस्ट डिमांड जिसकी है वो अभी स्टेबिन की है. अदर देन दैट he's a very very sincere person. He's a very well brought up person. He's a lovely human being. He's very different. Yes. Very blessed with the kind of way, you know, people are looking at me these days. Experiments karne ko mil rahe hain alag alag type ke. ग्रेटफुल इनफ, लकी इनफ कि मुझे अलग अलग टाइप के म्यूज़िक वीडियोस मिल रहे हैं, यू नो, जिसमें परफॉर्मेंस करने का स्कोप होता है और बहुत ही डिफरेंट. अभी आप स्टेबिन के ही मेरे दो गाने देखोगे, बहुत ही अलग टाइप के किरदार हैं. बेचारी को इसके साथ, इन्हीं से गल के साथ कंपेयर करोगे, बहुत डिफरेंट है. अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है. एंड एज एन एक्टर आई थिंक बिग बॉस एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपको खुद के बारे में बहुत पता चलता है. व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, what you vibe with, what you don't, what your energies are, right? Wo jab aap usko, jab aap when you're very sure about yourself, then you're very sure about the emotions that you're portraying. So wo zaruri hai. Main Big Boss bhi to experiment hi tha bahut bada. Uske baad se fir Dance Diwane was an experiment, Lock Up was an experiment. But jitni shiddat se koi cheez karoge na, jitni achhi intention se koi cheez karoge, to wo aapko kabhi piche nahi leke jayegi. It's basically, well, as I said, it's a very simple, sweet song. The music video also had to correspond to that. इन्हीं सी गल जो concept है वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें relationships में बहुत ही छोटी होती हैं और वही, that's the things that you should live for. तो हमारा जो music video है इन्हीं सी गल, वो भी वही celebrate करता है. But obviously क्योंकि सारे गामा का है और स्टेबिन का गाना है, तो scale तो आपको फिर पता ही है. फिर you know they have to show, you know, so we chose Kashmir. And I think it was a perfect setting for a song like that. And बहुत मज़ा आया shoot करते. And the end result is also very cute. और लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है. Why not? ये आपके नज़रिए पर depend करता है. अभी मैं एक बहुत ही established you know हमारे actor हैं, उनके साथ बैठा था और हमें बात कर रहा था. तो मैं I was appreciating हमारे जो आजकल के social media influencers हैं, मैं उनको appreciate कर रहा था. मैं बता रहा था, कुछ examples दे रहा था. मैं कहा सर look at this. Without having a show, without having you know film, or you know जो हम जब set पर जाते हैं hero बन के, तो हमारे hair होता है, makeup होता है, DOP होते हैं, directors होते हैं, वो आपको hero बनाते हैं. और आज की date में आप influencers को देखो, they have come and you know they've done so much with just their phones. So they were like, he was like, this is not going to last. तो you know this is what I was trying to say. ये आपकी नज़रिए की बात है. मेरे हिसाब से फ्यूचर जो है वो इन्फ्लुएंसेस का है. मैं बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ. मैं छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ. आई ऑब्जर्व अ लॉट. मैं इंस्पिरेशन के लिए बहुत छोटी चीज़ों से भी इंस्पायर हो जाता हूँ. यू डोंट नीड टू यू नो सी यू नो लाइक यू नो अ बिग एस्टैब्लिश पर्सन फॉर इंस्पिरेशन. यू नो जब मेहनत की बात होती है तो मैं तेजू को देखता हूँ कि यार ये कितना मेहनत करती है. यू नो सो वो एक इंस्पिरेशन है. फिर भी यू नो ऐसे क्रैंकी नहीं होती है. यू नो या फिर पेशेंस की बात होती है तो मैं यू नो कितनी, दिस जस्ट सो मच ऑफ
एवरीवेयर यू लुक यू विल सी पीपल हु आर इंस्पायरिंग. मैं पैप्स को देखता हूँ, यू नो कितनी भागदौड़ करते हैं. अब वन डे आई रियलाइज कि मैंने सुबह कुछ किया और रात को 2:30 बजे तो वही अभी भी घूम रहे. मैंने पूछा, भाई तुम सोए कब हो, तुम खाए कब, अभी तो तुम मिले थे, अभी कैसे पहुंच गए. एंड लुक एट व्हाट दे हैव डन, लुक एट व्हाट दे हैव डन फॉर अस, यू नो. और ये अभी अभी पिछले 2-3 साल में, यू नो, इट्स बिकम सच अ बिग थिंग. दिस इज देम वर्किंग रियली रियली हार्ड. मैं उस दिन एयरपोर्ट पे था तो मैंने कहा, तुम्हें पता कैसे चला कि आज हम, तो उन्होंने बोला हमने कहीं सुन लिया और हम 10 बजे से बैठे हुए हैं, 3:30 बज चुके थे सुबह के, यू नो. They are making us bigger stars. So that itself is an inspiration. Where do you not find inspiration? अरे पानी बहता हुआ देखो उसको, उसमें से inspiration आ जाएगी. See right now I think इन्नी सी गर्ल is my, you know, the final project. जिस, you know, the last जो हम shoot कर चुके हैं, films कर चुके हैं वो अभी आएंगी. But it's Diwali and I'm very glad कि इन्नी सी गर्ल is releasing just before Diwali. Diwali है तो एक wish Diwali की. A very 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 happy Diwali to all of your viewers, all of you people. Be safe and be kind. Thank you so much. Thank you.